एक दिल को छू लेने वाले कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार वास्तविक त्योहार से 19 दिन पहले ही मनाया। इस अवसर पर लाडली बहना उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके दौरान सीएम ने बहनों से राखी प्राप्त की और उन्हें अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में 250-250 भेंट किए। इस उत्सव ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित हिंदुस्तान चावल में आयोजित किया गया, जहां सीएम यादव का स्वागत लाडली बहनों ने पुष्प वर्षा और भावपूर्ण भाव के साथ किया। भाव कर आभारी सीएम ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए फूलों का तारों का गाया। अपने संबोधन में डॉक्टर यादव ने भारत में त्योहारों के महत्व पर जोर दिया, जो प्रेम और सद्भाव को बढ़ा देते हैं। उन्होंने रक्षाबंधन त्योहार के महत्व और सावन के पूरे महीने में इसे मनाने के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों की 30 फीट की विशाल राखी बांधने के लिए भी सराहना की, जिससे त्योहार का उत्साह और बढ़ गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भगवान राम और उनके भक्त भरत के बीच बंधन से पवित्र हुई भूमि चित्रकूट के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों से प्रेरणा लेते हुए वंचितों के समग्र विकास और उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों के लिए विभिन्न योजनाओं और लाभों की घोषणा की, जिससे उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 450 रुपए की सब्सिडी शामिल है। रीवा में आगामी क्षेत्रीय निवेशक शिखर सम्मेलन जैसे क्षेत्र विकास के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला गया, जिसका उद्देश्य प्राप्त निवेश आकर्षित करना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मां के नाम पर एक पेड़ अभियान के तहत फलदार पेड़ लगाने और 131 करोड़ रुपए की लागत वाली निर्माण परियोजनाओं की आधारशिला रखने सहित अनुष्ठान किए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया तथा लाडली बहनों से बातचीत की। उन्होंने उपहार और आशीर्वाद प्रदान किए। समारोह का समापन मुख्यमंत्री द्वारा आजीविका परियोजना प्रदर्शनी का निरीक्षण करने तथा बहनों से बातचीत करने के साथ हुआ, जिससे रक्षाबंधन से पहले का यह आयोजन सभी के लिए एक बार यादगार और खुशी का अवसर बन गया।